हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश कुमार रॉय आप सभी को इस मैथ मैजिक चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए आज का जो टॉपिक मैंने इसके पहले टॉपिक में जो बताया था औसत के बारे में, मतलब औसत के बारे में पढ़ाने के लिए, वो औसत में स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको भी दबा के रखें ताकि आप सभी को जब भी मैं नई न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं, आज का टॉपिक जो है औसत या तो यानी एवरेज, उसको मैं स्टार्ट करता हूं। लेट अस स्टार्ट इट। आखिर आप लोग जानते ही होंगे आखिर एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज, ठीक है ना, एवरेज आखिर है क्या, यानी कि औसत आखिर है क्या, ठीक है, औसत आई आखिर है क्या, ठीक है। तो औसत का मतलब ही होता है ना कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया तो वो नंबर जो होता है, सपोज दैट मैंने, मेरे पास राम था, ठीक है, मोहन था, ठीक, और श्याम था, तीन जन था। अब तीन जन को मैंने क्या किया, इसको 5 रुपए दिया, इसको 6 रुपए दिया, इसको 7 रुपए दिया, ठीक, तीनों को जन मिल गया। अभी दोनों बीच में लड़ाई हो गया कि मेरे को 5 रुपए दिए, मेरे को 6 रुपए दिए, मेरे के साथ बहुत लड़ाई होने लगा, स्टार्ट हो गया। उन्होंने बोला कि मेरे को इतना रुपये नहीं, हम लोग को बराबर चाहिए, हम लोग को बराबर चाहिए, हमको लड़ाई स्टार्ट हो गया। तो मेरे पास दिमाग आया कि ऐसा करता हूँ मैं कि ये दिनों के पास जो कुछ पैसा जो मिला है, इस पैसा को मैं एक समान में बांट दूँ, ठीक। तो उसको दिमाग, मेरे दिमाग में इस पैसा को जो मैं एक समान में बांट दूँ, मैंने मतलब मोहन को मैंने 5 रुपए दिया, राम को मैंने 5 रुपए दिया, मोहन को 6 रुपए दिया, श्याम को 7 रुपए दिया। अभी तीनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई, क्यों, क्योंकि इन लोगों को जो पैसा मिला था ना एक समान में नहीं मिला था। तो जब लड़ाई आगे जब बढ़ा था, हमको समझ में, मेरे पास लड़ाई आया पहुंचा, तो मैं बोला इन लोगों की ऐसा करता हूँ मैं, तो आप लोगों को जो ना पैसा एक समान में दे दिया करूँगा। तो बोला हाँ वही ठीक रहेगा, हम लोग को पैसा एक समान में चाहिए। तो मेरा दिमाग, मैं बहुत सोचा समझा, उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसा करता हूँ ना, जितना सारा संख्या दिया है वो संख्या को मैं सब आपस में जोड़ दूंगा, ठीक है, सारा संख्या को आपस में जोड़ दूंगा, और कितना नंबर है 3, तीनों से डिवाइड कर दूंगा, ठीक, वही मेरे दिमाग में है। तो मैंने क्या किया, 5-6 को जोड़ दिया, 5-6 ग्यारह और सात कितना हो गया 18, ठीक है, और 18 से मैं 3 को भागा दे दिया, कितना हुआ 6। तो इसका मतलब हुआ कि इन लोगों को जो मैं पैसा दूंगा बराबर बराबर हिस्सा में, वो 6 रुपये हो गया। और यही जो 6 रुपये होता है, यही मेरा एवरेज कहलाएगा, यही मेरा औसत कहलाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत का जो मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज में जो मतलब इसका जो मीनिंग होता है कि जितना सारा नंबर होता है ना, उस सारा नंबर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जितना सारा नंबर होता है उसको जोड़ देंगे, और जितना नंबर होगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो औसत का मतलब यही होता है कि टोटल नंबर बटे टोटल, मतलब इस तरह लिखेंगे इसको, अगर हिंदी में लिखना चाहूंगा, औसत के बराबर क्या होता है, क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, यही होता है हिंदी ना, तो सभी प्रश्नों का ही बोल सकते हैं, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टे सभी संख्या, तो कुल संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, कुल संख्याओं का योग, तो सभी संख्या, ठीक, यही बोलते हैं, मतलब टोटल नंबर समय सम टोटल नंबर एंड टोटल नंबर, इसको भी बोल सकते हैं इंग्लिश में इस तरह, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, औसत हो गया, ठीक, बहुत सारा इसका ट्रिक्स, लेकिन मतलब इसका जो है डिफिनेशन बहुत प्रकार का होता है, बट इतना याद करके रखो कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, समय से मतलब औसत का मतलब। टूटी फूटी लैंग्वेज में मैंने बताया कि जिसे तीन नंबर, मतलब तीन आदमी को जो पैसा दिया गया था, उन लोगों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गया, तो उन लोग बोला कि ऐसा कीजिए कि मेरे जो पैसा मिला है वो एक समान रूप में मिले। तो एक समान रूप में मिलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितना सारा नंबर उस नंबर को जोड़ देंगे, उसको जितना नंबर उसको उतना डिवाइड कर देंगे, वही मेरा औसत कहलाएगा। तो औसत का बहुत सारा टाइप होता है, किसी भी संख्या को औसत निकालना पड़ेगा। जैसे मेरे पास 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसको क्या करना है, अब इसको मिला 6 रुपये, इसको मिला 7 रुपये, इसको मिला 8 रुपये, इसको मिला 9 रुपये, इसको मिला 10 रुपये, कितना, 1 2 3 4 5, 5 है ना भाई, 5 के बीच क्या हो जाएगा, झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो झगड़ा जब इन लोग के बीच स्टार्ट हो गया तो ये बोलेगा कि हम लोग को नंबर जो मिला है समान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर को समान देने के लिए क्या करेंगे, तो सभी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितना संख्या रहेगा उसे उतना डिवाइड कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, वो
मेरा वो औसत कहलाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, 6 7 कितना हो गया, 12 8 20, 20 9 29, 29 10 39, 39 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना नंबर से, 5 नंबर से, 1 2 3 4 5 नंबर है, फिर से जोड़ लीजिए भाई, 10 9 19, 19 8 27, 27 7 34, 34 6 40 होता भाई, 6 और 7 कितना हो गया, 6 और 7, 6 7 कितना हो गया, 6 7 13 हो गया, सॉरी 6 7 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया, 21 9 29 हो गया, 29 और 10 30 40 हो गया, सॉरी 40 हो गया, डिवाइड कर कितना हो गया 8, तो मेरा 8 क्या हो गया, औसत कहलाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है बात को ना, जिस तरह से आप लोगों को देखना और कोर्स कोर्स में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे बताऊँ, ये जो मैंने बताया औसत, कौन सी संख्या था, मैंने रेंडमली कोई भी संख्या का जो औसत निकालेंगे तब के लिए। अब मैं कुछ में चलता हूँ सम संख्या के लिए, किसके लिए चलता हूँ मैं, सम संख्या यानी इवन नंबर जिसको लोग बोलते हैं, इस पर अगर हमको निकालना रहेगा औसत तो कैसे निकालेंगे, हमें कंजुकेटिव सम संख्या रहेगा, तो कंजुकेटिव इवन नंबर रहेगा। तो हम लोग तीन टाइप के बताएंगे, पहला बताएंगे कंजुकेटिव मतलब इवन संख्या पर, दूसरा बताऊंगा ऑड संख्या पर, माने ऑड संख्या, ऑड संख्या माने विषम संख्या पर, और चौथा तीसरा बताऊंगा मैं लगातार संख्या, इसको बोलते हैं कंजुकेटिव लगातार, इस पर क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हूँ मैं, पहला सम संख्या बताने से। सम संख्या का मतलब कोई भी संख्या जब दिया रहेगा ना, जैसे मैंने दे दिया, सम का मतलब क्या आता है, 2 3 2 4 5 2 4 6 8 10 ये सब से क्या है, सम संख्या। तो यहाँ से मैं लेता हूँ 2 4 6 8 10, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितना बढ़ता है, अगर कंजुक्यूटिव सम संख्या रहेगा यानी लगातार सम संख्या जब दिया रहेगा, अजी लगातार सम संख्या दिया रहेगा तो आपको, तो आपको क्या करना है, देखो भाई आज से क्लास में पेपरी भी पढ़ने के लिए आ गया है, धन्यवाद। तो इसको क्या करूंगा मैं, हम लोग का जो पुराना ट्रिक्स है उससे उसको क्या बताता है, जितना संख्या दिया वो उसको जोड़ेंगे और जितना नंबर उसे उतना डिवाइड कर देंगे, वो बोला है। चलते हैं, स्टार्ट करता हूँ, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 30 हो गया, कितना नंबर, 1 2 3 4 5, मेरा कितना आया, 6, मेरा औसत कितना आया, 6 मेरा औसत आ रहा है। इतना दिमाग तुमको लगाना है नहीं इसमें, ये मैं बहुत अच्छा और शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, इतना दिमाग तुमको लगाना है नहीं, बहुत सिंपल है। क्या करना है, कितना नंबर दिया हुआ, 6, 2 इधर से, सॉरी 5 दिया हुआ, हाँ 2 इधर से और 2 इधर से, बचा कितना लास्ट में, देखिए 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, बचा लास्ट में कितना, 5, तो 5 जो मेरा औसत संख्या हो गया, सॉरी 6, 6 मेरा क्या हो गया, औसत संख्या, यही मेरा 6 हो गया। कुछ नहीं करना, कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए, जितना संख्या इधर से दिया है जितना संख्या इधर से दिया है दोनों बराबर में बांटने, जो बीच में बचा मेरा क्या हो गया, औसत संख्या हो गया। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो मेरा औसत क्या हो गया, 6 हो गया। क्या किया हम, दो संख्या इधर से निकाला, दो संख्या इधर से निकाला, एक क्या चीज था, 5 5 था, अगर हो सकता है ये किसमें था, 5 मैंने 5 किसमें था, मैंने 5 जो यहाँ 5 नंबर था, अगर यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर मतलब ये ऑड नंबर में था, अगर मैं आ जाएगा विषम मतलब सम ऑड में मैंने इवन ऑड में इवन नंबर में आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे इवन नंबर मतलब जैसे हो गया 6, ठीक है, ठीक 6 8 10, ठीक है 12 14 16, 1 2 3 4 5 6, अब आ गए इवन नंबर में, नंबर कितना है, 6 है। अब तो क्या चीज़ आ गया, ये क्या चीज़ आ गया, ये आपका आ गया सम मैंने इवन नंबर में आ गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम वही हम बताए थे जो, अब इसको मतलब हम क्या बताए थे कि दोनों को जो है ना बराबर भागों में बांटना, जो बीचेगा जो लास्ट में बचेगा वही मेरा औसत हो जाएगा। तो यहाँ भी करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 दिया होड़ नहीं रहा, क्या करेंगे 3 इधर से लेंगे और 3 इधर से लेंगे, यहाँ पे जो बीच में बच रहा है नहीं मेरा क्या हो जाएगा, औसत संख्या हो जाएगा। क्या करेंगे हमें, ऐसा देखिए यहाँ से हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 प्लस 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 11। ऐसा भी कर सकते हैं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 10 और 11 12 के बीच में कौन सी संख्या आएगा, 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या आएगा, 11 होती है, यहाँ से भी हम औसत निकाल सकते हैं 11, तो औसत मेरा क्या हो गया, 11। ठीक है, लेकिन इतना रखना सम संख्या रहना चाहिए और कंजुकेटिव मैंने लगातार रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि लगातार के मतलब क्या, जैसे
समसंग के दो हो गया, उसके बाद क्या आएगा चार, उसके बाद क्या आएगा छः, उसके बाद क्या आएगा आठ, उसके बाद क्या आएगा दस, इस तरह मैंने आता रहेगा, उस तरह का तब आपको ये नियम को लगाना है, ठीक है ना। मैंने अगर नन के कंजुगेटिव रहेगा तो क्या करना, अगर मैंने मैं लगातार रहेगा, मैंने ना सम संख्या लगातार रहेगा, ना विषम संख्या लगातार रहेगा, ना लगातार संख्या रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें सबको जोड़ना है और जितना संख्या रहेगा उसे डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम लगातार संख्या, ठीक है, सम लगातार संख्या, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और एक थोड़ा पॉइंट यहाँ से याद रखना, अगर मतलब ऐसा अगर दिया रहेगा ना, अगर पूछते यहाँ से कि जो संख्या दिया हुआ है कंजुकेटिव सम संख्या वाला, समझ में आ गया आप लोग को, अच्छा तरीके समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में ये खत्म करता हूँ, समोला आपको बढ़िया समझ में आ गया 100% मुझे लगता है कि सम का संख्या जो दिया हुआ है समोला, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ और विषम संख्या के बारे में बताना, मैंने विषम संख्या जब दिया रहेगा तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर विषम संख्या में दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताऊंगा, उसको लगातार संख्या दिया रहेगा तो उसको उसमें मैं कैसे निकालूंगा उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का जो था क्लास सम संख्या में कैसे निकालेंगे वो सब वो मैं बता दिया, 100% आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ गया, ऐसा टूटी फूटी लैंग्वेज में मैं बताया हूँ कि आप लोग 100% समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को जो मैं इतना अच्छा अच्छा वीडियो में डाल रहा हूँ आप लोग के तक, मतलब आप लोग तक पहुँच सके। और यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोग शेयर करते हैं तो मुझे मेरे अंदर जो मोटिवेशन है वो और मोटिवेट में होऊंगा और अच्छा तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।